सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर तमंचे के साथ पोस्ट डालना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने इस युवक को पकड़कर सीखचों के पीछे पहुंचा दिया है। हल्दीग्राम के निवासी गुरप्रीत सिंह ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अवैध तमंचे एवं कारतूसों का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए खटीमा कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी गुरप्रीत सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी के पास से 5 जिंदा 32 बोर के अवैध कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं वीडियो में दिखाया गया कि तमंचा आरोपी ने पुलिस के डर से जंगल में फेंक दिया था, जिसे आरोपी की निशानदेही के आधार पर तलाशने की कोशिश की जा रही है। वहीं आरोपी के विरुद्ध खटीमा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये ग्राम हल्दी मजोला चौकी के अंतर्गत आता है, वहाँ के रहने वाले हैं गुरप्रीत सिंह। तो इसके द्वारा फेसबुक पे एक रील डाली गई थी और उसमें तमंचे के साथ इनके द्वारा कुछ उसमें गाना भी चला रखा था ग्राउंड में, तो जिससे समाज में एक भय का माहौल हो रहा था और ये वैसे भी कानून का उल्लंघन है। तो इस पे कल खटीमा पुलिस के द्वारा इसके यहाँ दबिश दी गई और इसके कब्जे से 5 जिंदा 32 बोर के कारतूस बरामद हुए हैं और इस पे आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।